नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और नवउदयपुर अपडेट्स में हम नई नई रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज हम आए हैं अकोला। अकोला का हम इतिहास टंटोलें, उनकी बात करें तो यहां परंपरागत वस्त्र रंगई छपाई का जो काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सालों से लोग करते आ रहे हैं। और यहाँ जो रंगई छपाई का काम करते हैं वो छिपा जाति के लोग हैं। करीब 150 से अधिक परिवार हैं जो ये काम करते हैं। आप इस तरफ देखेंगे कि अभी जो है वो रंगई छपाई का काम हो रहा है। और इस कला की क्या विशेषता है, इस कला को लेकर कितना कुछ क्या कुछ करना पड़ता है, किस प्रोसेस से ये गुजरता है, उसके लिए हमारे साथ में यहाँ इस पूरे हैंडीक्राफ्ट जो सेंटर हैं उसके ओनर हमारे साथ में हैं। साथ में अकोला के बहुत वरिष्ठ जन हैं हमारे साथ में, हमारे बड़े भाई साहब नवरतन जी जैन साहब भी हैं और जी ललित जी युवा उभरते हुए एक लोग अकोला के लिए समाजसेवी हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप अभी तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं इस आधुनिक हैंड प्रिंट का काम हो रहा है, जिसे दाबू प्रिंट के नाम से भी अभी लोग कहते हैं, वो काम अभी कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ के ओनर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीलाल छिपा है और ये हमारा परंपरागत काम है। ये हमारा जो परंपरागत काम है पहले काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरा था। अच्छा। और काफ़ी कठिन प्रक्रिया है और काफ़ी जो लंबा प्रोसेस है और उसके बावजूद भी हमें मार्जिन नहीं मिल, मतलब सही जो उचित दाम नहीं मिलते थे। तो हमारी एक भावना है ये रही कि 97 में जैसे हमने बीए ग्रेजुएशन किया उसके बाद में एक संकल्प लिया कि अकोला जो हमारी कला है, जो परंपरागत कला है, पुरानी कला है, जो बीच में हम केमिकल यूज़ करने लगे थे, तो हमने निश्चय किया कि इसको पूरा एज ए फ्री और नेचुरल एक स्तर पर ले जाएं और इसका बढ़िया विकास करें। इसे तो हमारे जो भाई साहब नवरत्न जी पत्रकार, इनसे हमें बराबर प्रेरणा मिलती रही कि और हम भी इनसे बिल्कुल करते रहे, मतलब मार्गदर्शन, मतलब दिशा निर्देश लेते रहे। तो हमने शुरुआत की 98 के बाद जयपुर जाके प्रशिक्षण लिया और फिर यहाँ पे हमारे जो फार्म के ऊपर एक छोटा सा सेटअप जमा है टेबल, उसके हम उसके ऊपर हम निरंतर सैंपल वगैरह बनाते थे और प्रयास करते रहे। इस तरह बीच में जिला उद्योग केंद्र की तरफ से भी हमें निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहा और इस कार्य में मतलब निरंतर ट्रेनिंगें भी चलती रही। अभी हम वापस आपके आएंगे, हम आपसे जानेंगे। इस वीडियो का जो मेन मुख्य मकसद है वो ये है कि हम इस जो कला है रंगई छपाई का उसकी पूरी प्रोसेस जानना चाहते हैं। साथ ही इस प्रोसेस से गुजरने के बाद में कपड़े कौन कौन से कपड़े पहनने के रूप में काम आते हैं, कौन कौन सी क्या क्वालिटी से आप बनते हैं। तो अभी हम नवरत्न जी भाई साहब से जानेंगे कि भाई साहब अभी जो ये हस्तकला है ये इसका धीरे धीरे सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा सा अच्छा प्रचार होने की वजह से इसका आज की डिमांड बढ़ गई। और इस तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो अभी ये जो प्रिंट है ये अभी कहाँ जाने वाली है भाई साहब? ये फ्रांस जाएगी। फ्रांस जाने वाली है। कोटा डोरिया हैंडलूम दुपट्टा है। अच्छा। और इस पर जो दाबू प्रिंट हुआ है वो बिल्कुल हाथ से हुआ है। अच्छा। तो हम भाई साहब से, नवरत्न जी भाई साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये कला कितनी महत्वपूर्ण है और इस कला के साथ में आपके गांव का जो जुड़ाव है वो किस तरह से है? वो सबसे बड़ी बात है, 30-35 साल में जो परंपरागत पहले जो रंगई छपाई होती थी उससे हट करके यहाँ के युवा इन हस्तशिल्पियों ने एक नई सोच के साथ, नई जनरेशन के साथ, इन्होंने नई जिसको आज आधुनिक हैंड प्रिंट के रूप से जानते हैं, वही आधुनिक कला। प्राचीन कला तो यह है जो फेटे बनते ही हैं जिनको गुजर, गाटरी, जाट समाज में, मेवाड़ में पहना जाता है और अकोला की 4-5 जिलों में पहचान है। पर पिछले 30-35 सालों में यहाँ के कुछ हस्तशिल्पियों ने अपने प्रयासों से इसको आधुनिक रूप दिया, आज की जनरेशन के अनुसार मॉडर्न रूप में। तो ये अलग अलग तरह की रंगई छपाई करते हैं जिसमें बेडशीट है, चादर है, लेडीज़ के कपड़े साड़ियाँ वगैरह है और जेंट्स के सलवार अपने ये कहते हैं शर्ट वगैरह है, कुर्ते है, चब्बे है, इनका भी उत्पादन हो रहा है। और आज तो ये हालत हो गई, पिछले कुछ सालों से विदेशों से भी काफ़ी लोग इस कला को देखने और ख़रीदने आ रहे हैं और अलग अलग जो अकोला है या अलग अलग, पहले तो कुछ लोगों के पास ही थी ये कला, पर अब काफ़ी युवा इसमें आ गया है जिसमें ये लक्ष्मी लाल नाम के युवा भी इसी
वरना इन लोगों ने तो सपने भी नहीं सोचा, क्योंकि हमारे को ये काम करना ही नहीं। पर इन्होंने कहा कुछ नया करे, जमाना बदल रहा है, तो इन्होंने भी एक प्रयास करके इसको लगाया। जैसे एक कुमार होता है, उसने सोचा कि भाई मुझे नया करना है, और फिर वो पानी की बोतल बनाने लगा, कुकर बनाने लगा। क्या उस हिसाब से इन लोगों ने आज के ढंग से डाला है, और इसकी बदौलत आज ये विश्वव्यापी इसकी अकोला भिंड प्रिंट की पसंद बनती जा रही। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के हाथों भी यह कि कला को पुरस्कार मिला है, और तत्कालीन शासन में राजस्थान सरकार के कई मुख्यमंत्रियों से यहाँ के हस्तशिल्पियों को पुरस्कार मिला है। इस तरफ आप फोटो में देखेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री से लगाकर वहाँ मनमोहन सिंह जी तक इन कला का जो है वो प्रशंसा कर चुके हैं, इन कला को देखकर अभिभूत हो चुके हैं। मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस प्रिंट को दाबू प्रिंट क्यों कहा जाता है, दाबू का क्या लॉजिक है, वो समझ में नहीं आता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो दाबू कोई नाम नहीं है, दाबू ये किया इस में हर जगह दबाया जाता है, मतलब अच्छा, ये जो छापे है इसको दबाना तो पड़ता ही है, इसलिए एक शाब्दिक है दाबू प्रिंट, वरना अकोला की छपाई अकोला के नाम से ही चलती है क्या, और ऐसी छपाई राजस्थान में एक तो जयपुर के पास वहाँ भी आधुनिक बगरू और एक मध्य प्रदेश में जावत के पास है तारापुर उमेदपुरा, जहाँ भी छिपा जाति के कुछ लोग हैं, वो भी वहाँ हैंड प्रिंट का काम करते हैं, पर जो अकोला में हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ का कपड़ा फट जाएगा पर कलर नहीं जाएगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी विशेषता मतलब वातावरण, यहाँ का वातावरण कलर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल है, तो वो हर चीज ऊपर की आती है, कलर वगैरह जो भी नेचुरल कलर वगैरह है। बिल्कुल, यहाँ का जो बेड़स नदी का पानी है इस चमक को और चमकीला बना देता है। हाँ, ऐसा कुछ इसमें मॉडर्न है इस पानी में, तो उसको रंग को निखार देते हैं। आप नीचे बैठे, सबसे पहले मैं आप दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, ये प्रिंटिंग में जो मेन जो चीज काम आती है, अलग अलग इसको लकड़ी के ब्लॉक, वुडन ब्लॉक बोलते हैं, ये बनाए हुए हाथ से, ये हाथ से बनवाते हैं, ये जयपुर और पीतापुर और इधर अहमदाबाद, इधर आइए आप, फैजाबाद इधर बनता है, ये वहाँ से बाहर से बन के आते हैं। हाँ, तो ये वो जो जो संचय हैं लकड़ी के, जिससे दबाने का जो काम है, ये दाबू प्रिंट करने का काम है वो होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी कला है, इसमें चूना, गोंद, गुड़, तेल, गेहूँ, काली मिर्च, यहाँ तक का उपयोग होता है। तो अब ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि भाई ये चीज़ जो है सामग्री का उपयोग इसमें किस तरह से आता है, क्या इसका क्या उपयोग होता है। एक्चुअल में क्या है, जब भाई साहब के बराबर मार्गदर्शन में जब कलेक्टर साहब आशुतोष जी गुप्त आए थे, तो उस समय उन्होंने अकोला को मतलब एक तरह से जैसे हाईलाइट किया, तो उसके बाद में क्या है, हमारी भी जो इच्छा थी, पुराने जो यूज लेते थे कलर वगैरह, जैसे अनार के छिलके, कत्था और रतन जोत और पलाश के फूल और जो बोल के छिलके, प्याज के छिलके, ये पहले काम में लेते थे, 40-50 साल पुराने। अच्छा, जजम वगैरह बनती थी इनकी, नेचुरल कलर से आप ये सारी रंगीन छपाई का काम। हाँ, अभी ये नेचुरल कलर, ये डाई होती है इनकी, जैसे इंडिगो करते हैं, उसके बाद में अनार छिलके करते हैं तो ग्रीन कलर आता है, और मंजिस्टा से लाल कलर आता है। अच्छा, CMYK हमारी जो प्रिंटिंग में जो काम आता है वो CMYK, उसका कलर, चार तरह के कलर आते हैं प्रिंट मीडिया में, जिस तरह से अखबार छपता है तो चार तरह के कलरों का उपयोग होता है, वैसा ही कुछ आप? नहीं, ये हमारा जो है प्रकृति से ही कलर लेना, प्रकृति की चीज़ें ही लेना और प्रकृति में वापस उसको डिजोल्व कर, मतलब विभाजित, मतलब विसर्जित करना, ताकि प्रकृति को कोई हानि नहीं हो, नुकसान नहीं। और आम आदमी जो इसके उत्पाद के कपड़े पहने वो भी इधर आइए, बिल्कुल हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य। ये क्या चीज़? ये पिचकरी है, एलम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ये पानी को शुद्ध करती है और इससे लाल कलर आता है, और काला कलर जो आता है वो लोहा और गुड़ को सड़ा के फिर उसका जो अर्क निकलता है उसमें इमली का आटा मिला के उसका पेस्ट बनता है, उससे काला कलर आता है। अच्छा, ये गोंद? गोंद और काली मिट्टी और चूना, इन तीनों के मिश्रण से दाब तैयार होता है, दाबू। अच्छा, इनको क्या पैरों से, पहले रात में मिट्टी को गला देते हैं, फिर उसमें सुबह पैर से चूना छिड़कते हैं, फिर पैरों से गूंथते हैं काफ़ी, फिर इसका जो पेस्ट निकालते हैं गोंद का, इन तीनों को बिल्कुल पैरों से मिश्रण करते हैं। वो अभी जैसा वो ट्रे में पड़ा हुआ है, ट्रे में पड़ा, वो तो तैयार है। अच्छा। उसको बार बार छानते हैं, बारीक कपड़े में छानते हैं, फिर मोटे कपड़े में छानते हैं, इस तरह से 2-3 बार, जितनी बारीक प्रिंट होती है उतनी बार छानना पड़ता है, तो ये बिल्कुल हनी के जैसे पेस्ट हो जाता है। अच्छा, इतना मतलब स्मूथ हो जाता है।
बिल्कुल कंकर पत्थर वगैरह सब। काली मिट्टी जो गाँव में, हाँ ये काली मिट्टी भी यहाँ की खासियत है। अच्छा, ये हमारे पहाड़ के पीछे तालाब में इकट्ठी होती है, इसमें ऑलरेडी बुझा हुआ चूना, जो चूने के पत्थर होते हैं वो अंदर इसमें मिक्स रहते हैं ऑलरेडी। हाँ, और इसको लोग बाग सिर में भी लगाते हैं जैसे, तो बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं। काली मिट्टी, और इसको अगर आप लेप कर दो, अगर किसी का चर्म रोग है तो इसको आप लेप करके थोड़ी देर छोड़ दो, फिर उसको धो लो आप, तो आपका चर्म रोग लगभग ठीक हो जाएगा। तो इसमें ये और क्या क्या चीज़ें हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा हुआ भी है इसमें अनार छिलका है, अनार छिलका है, ये कत्था है, पान का कत्था कहते हैं वो है, रतन जोत है वो भी है, और ये हरडा है, ये पतंग की लकड़ी है। पतंग की लकड़ी, पतंग की लकड़ी, ये पतंग की लकड़ी तो पहली बार नाम सुना हमने। ये पतंग की लकड़ी, और पतंग बनाने की लकड़ी? नहीं नहीं नहीं, पतंग तो उड़ाने को होता है, पतंग एक टहनी रहती है पेड़ की, उससे जड़ आती है उसकी, ये कलर बनाने में काम आता है, ये कलर बनाने। और ये पलाश के फूल है, और ये गुड़ल के फूल है, और ये मेरी गोल्ड जो भगवान को फूल चढ़ाते हैं उसको क्या सुखा के उसका पाउडर बना के फिर उसकी डाई करते हैं। अच्छा, और ये रसवत है, और ये नेचुरल इंडिगो है। नेचुरल इंडिगो, हाँ इंडिगो तो पिछवाई में भी काम आता है, पिछवाई आर्ट पेंटिंग में भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल काम आता है, सुनने में आता है कि भाई इंडिगो उपयोग हो रहा है। इस नेचुरल इंडिगो की ये खासियत है, जैसे बच्चे का अगर इसको पीस के और हल्का सा इसकी मात्र एक दो घोट देते हैं तो लोग कहते हैं, हमारे पास से ले जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चा जो नवजात रहता है उसको कभी बादल, मतलब ये जैसे सांस वगैरह की ये बीमारी नहीं होती है। अच्छा, इतना इसका, ये भी पेड़ों से निकलता है। तो आप इधर आएँ, एक ये जो पूरी प्रोसेस आपकी बनती है, सबसे पहले तो यहाँ बताएं कि ये क्या क्या तरह की चीज़ें आपके यहाँ यहाँ बनती हैं और कहाँ कहाँ जाती हैं, उसके अलावा एक प्रिंट बनने में कितने प्रोसेस से गुजरता है, जैसे इस तरफ देखेंगे बड़े बड़ी घाटे पड़ी हुई है कपड़े की। ये एक्चुअल में क्या, हमारे पास पहले कपड़ा भी मुश्किल से मिलता था, पर निरंतर प्रचार प्रसार से और यहाँ की पत्रकारी से अकोला बिल्कुल विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका। इसके लिए हमने सबसे पहले मांडी लगा हुआ कपड़ा आता है हमारे पास, मांडी मतलब जिसके स्टार्च लगा रहता है कपड़े पे। अच्छा, तो उसको हम जो अरंडी का तेल रहता है, अरंडी के तेल उसमें हम भिगोते हैं 24 घंटे के लिए। मतलब आपका कहना है ये अभी ये कपड़ा तैयार है, तैयार हुआ है, आपने कट लगा के थान आते हैं, फिर कट लगा के इसमें मांडी स्टार्च निकालते हैं इसके, इसके लिए हम इसको अरंडी का जो तेल रहता है उसके पानी में इसको 24 घंटे के लिए भिगोते हैं, फिर इसको भिगोने के बाद में 24 घंटे के बाद में उसको लकड़ी के डंडे से पीटते हैं, पीटने के बाद में सट्टे लगाते हैं, साफ अच्छा। पानी में धो के फिर इस पर वापस अरंडी का तेल रहता है उसको वापस उसको पानी पिलाते हैं, मतलब उस पानी से निकालते हैं, फिर इसको धूप में सुखा देते हैं। इस तरफ जो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये बनाई हुई, तो उस बारे में बताएं कि क्या आपके यहाँ की क्या स्पेशल चीज़ है। हम दर्शकों से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह की कला और आर्ट को हम बड़ा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और आप अगर इस तरह की कोई चीज़ खरीदना चाहें डायरेक्ट भाई साहब से, तो भाई साहब के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं, अकोला जब भी आएँ आप इनसे माल खरीद सकते हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये कलाकार की साधना का, उसको साधना का बदले में कुछ पुरस्कार मिले, उसकी उसका मेहताना उसको ज़रूर मिले, ऐसा नहीं कि हम यहाँ आए हैं इसलिए आप यहाँ खरीदें। ये जो हमारा फेटिया प्रिंट है ये हमारा परंपरागत है। अच्छा, ये अभी भी चलता है चलन में, और इसका जो महत्व है वो जैसे शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले मायरा जो होता है उसमें सुगुन के तौर पे हर चीज़ में पहले ये चीज़ रखते हैं, मेवाड़ी में और यहाँ का परंपरागत जो खेती वाले लोग हैं, काटरी है और जाट है वगैरह गुजरे, तो ये सबसे पहले इस चीज़ को शगुन के तौर पे सबसे पहले लेते हैं। अच्छा, लड़की सबसे पहले ब्याहती तो मतलब ब्याह में सबसे पहले ये रखते हैं, लड़की के जब लड़का लड़की होता है तब सबसे पहले ये रखते हैं, मतलब एक तरह से ये उनका परंपरागत है, और इससे हमारे काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके बाद में हमने इसी चीज़ को चंदेरी माहेश्वरी और जो ड्रेस मटेरियल चलते हैं उनमें मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, जो जितने भी सिल्क है गुजरात के गाजी सिल्क वगैरह, उन सब में इस चीज़ को डेवलप किया है। अच्छा, ताकि यहाँ के लोगों को आधुनिकता
में भी रोज़गार मिले। ये आपने डेवलपमेंट करने का काम सीखा कहाँ से? ये हमने एक तो हमारा क्या खून में रहता है, परंपरागत है, फिर भी इसका जो ABCD वो हमने जयपुर जाके वहाँ पे एक कला निधि संस्थान है वहाँ से सीखा था। और जो जर्मन की एक लेडी चलाती है सार्थक मानव कुष्ठाश्रम, जो कुष्ठ रोगियों के लिए वहाँ पे एक संस्था चलाती है, हमने भी वहाँ पे सीखा और उनके लिए भी हमने काम किया वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये अभी जो चीज़ है ये आपके हाथ की ये हमने जो तैयार की है, ये जयपुर ब्लॉक है जो जयपुर बगरू में है, जयपुर ब्लॉक के नाम से, वहाँ पे विक्रम जी जोशी वगैरह और एक नीला हाउस है और एक हमारे JCB जो कंपनी है लेडी बम्फोर्ड और उनकी तरफ से प्रोग्राम चला था। तो उसमें ये था कि जैसे नेचुरल डाई तो करते हैं आप, पर नेचुरल प्रिंट को आप कैसे टिकाऊ बना सकते हैं, तो ये हमने नेचुरल प्रिंट किया है। डाई तो सब कर लेते हैं, अच्छा प्रिंट पर किया, प्रिंट कोई नहीं कर पाता। वैसे आपने नहीं किया। और इसके लिए हमने जो टाटा ट्रस्ट है जो केरल में है मुन्नार में, वहाँ पे पूरा नेचुरली काम होता है, वहाँ पे हमने इंटरनेशनल वर्कशॉप में भी हमने भाग लिया। क्या नाम है आपका? उदयलाल जी? नहीं, लक्ष्मीलाल जी। लक्ष्मीलाल जी, आप तो बड़े पहुँचे हुए हमें नई नई चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं। हम इस तरफ चलना चाहेंगे जिस तरफ अभी आपका कारखाना अंदर की तरफ से शुरू होता है, तो हम दर्शकों को अभी बताएंगे कि जो सर आए भाई साहब, हाँ भाई साहब, आपसे चर्चा एक ये चर्चा करना चाहते हैं, छिपा जो जाति के जो लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, उनकी जो एक स्तर के बाद में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं जैसे आपने अभी बताया, तो उसके बारे में दर्शकों को बताया कितनी, मतलब ये हम कला बता रहे हैं, ये कला एक न एक पेंटिंग की कला है बल्कि इसको बनाने वाला अपने खून पसीने के साथ में अपने शरीर की आहुति भी देता है, तो उसके बारे में आप जरूर। ये तो वाकई में सही बात है, ये एक हर किसी का काम नहीं है, ये रंगे छपाई जो ये छिपा जाति के लोग कर रहे हैं वाकई में ये बधाई के पात्र हैं। सन 1995 से लेकर 2005 तक का काल तो इस कला के लिए संकट का काल था, जब अकाल पड़ा था पूरे मेवाड़ और राजस्थान में, तो यहाँ के इन हस्तशिल्पियों के लिए अपना रोजगार बचाना भी मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल, क्योंकि पानी पर आधारित उद्योग है तो स्वाभाविक है कि उद्योग चला नहीं। फिर 2006 और के बाद स्थितियाँ बदली और आज तक कुछ जमाना सुधरा, तो इन लोगों का उद्योग भी पिछले 5 सालों से बढ़ा, उत्पादन भी बढ़ा हस्तशिल्प में इन 5 सालों में। बिल्कुल। तो अभी आर्थिक हालत भी इन सालों में इनकी सुधरी है और इसकी वजह से क्या अभी युवा इन समाज के जो भी युवा है वो भी इधर प्रेरित हो रहा है कि चलो अपन रंगे छपाई में अपना हाथ आजमाए, वरना ये एक स्टेज पे आके बीमारी से भी ग्रसित हो जाते हैं। ये इसमें भी ये देखा गया है अमूमन 50-55 साल की उम्र के बाद जो सालों से ये रंगे छपे का काम कर रहे हैं, तो क्योंकि इसमें केमिकल है और गर्मी के पास रहना पड़ता है, तमाम तरह की जो जहरीला धुआं होता है वो शरीर में जाता है, एक लंबी अवधि के बाद उसका शरीर पर भी दुष्परिणाम देखा गया है। और काफ़ी लोगों को मैंने खुद देखा है कि 50-55 साल के बाद उनको सांस चलना, फेफड़ों में संक्रमण की जैसी शिकायतें देखी गई है, तो इसका निश्चित देखा क्योंकि इसमें सब टोटल जो भी केमिकल उपयोग होता है वो सब बिल्कुल हानिकारक। तो आप ये इस तरफ देखें, ये क्या हो रहा है लक्ष्मीलाल जी, अभी क्या कर रहे हैं आप? ये इंडिगो का माठ है जिसको नील डाई बोलते हैं, ये कब 10 फीट गहरा है नीचे। अच्छा, और 10 फीट कुआ है ये, एक तरह से कुआ है और ये गर्मी में बिल्कुल ठंडा रहता है और ठंड में इसका गुनगुना जैसा पानी रहता है। अच्छा, उल्टा सिस्टम। और ये बिल्कुल है, इसमें ठंडी डाई रहती है। आपने तो पूरी साड़ी इसके अंदर डाल दी। हाँ, अब ये अंदर से 4 फीट चौड़ा है, अंदर से ढोल जैसा है, इसके ऊपर अंदर चली जाएगी या रख दोगे या इसका लेंगे? इसको ऐसे फोल्ड करके फिर इसको एक बार चाल चलाते हैं अंदर, तो कपड़े को चारों तरफ इसको पूरी डाई मिल जाए। इसके ऊपर जो आप देख रहे हो वो सफेद ये चूना है, इसमें गोड़ चूना वगैरह ये नेचुरल चीजें सारी इसमें डाल के इसका सेम pH वगैरह टेम्परेचर वगैरह सेम रखते हैं इसका, और ये 12 महीने एक एक जो कपड़ा है वो एक एक इस प्रोसेस से गुजरता है। एक एक कपड़ा अंतिम प्रोसेस है या प्रथम प्रोसेस है? ये इसके बाद में सुखाएंगे, उसके बाद में वापस डाई करेंगे। अच्छा, और जितनी गहरी डाई चाहिए उतनी बार उसको निकालेंगे। आपके इस हस्तशिल्प में कितने लोग जुड़े हुए? अभी हमारी यूनिट के साथ में 17 से 18 लोग जुड़े हुए। क्या नाम है भाई साहब आपका? पुरुषोत्तम। आप किस चीज़ यहाँ ऐसे? मैं यही काम करता हूँ भाई और साथ में। अच्छा, ये आपके भाई साहब? हाँ जी। छोटे भाई? हाँ जी, बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई। हाँ जी। तो बड़े भाई का आप
हाथ बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्या आप क्या प्रोसेस, ये क्या चीज़ है? ये इंडिगो है, इंडिगो दाना। जो भी आप बता रहे थे बड़ी, हाँ जी हाँ, वो इंडिगो नेचुरल है और ये दाना है। अच्छा, ये दाना है तैयार है, इसमें हम चूना और हाइड्रो में लग, हल्का सा चूना और हाइड्रो में लगे, इसमें पानी में घोल के इसमें डाल देते हैं। हमें अगर 150 मीटर कपड़ा निकालना है तो हम 1 किलो इंडिगो इसमें डाल देते हैं, इस कुएं में। हाँ, इस कुएं में, जो ताकि वो उसी हिसाब से अपना कलर वगैरह आ जाए, पूरा एजो फ्री नेचुरल कलर है इनके। आज इसकी विदेश विदेश में मार्केट में काफ़ी इसकी गवर्नमेंट ने हमारे को फेस। कहाँ कहाँ तक आपका ये माल जाता है? ये सारा एक्सपोर्ट वगैरह का ऑर्डर है हमारा। अच्छा, ये सारा स्टिचिंग होके जयपुर से फिर बाहर जाएगा हमारा। आप डायरेक्ट कपड़ा नहीं भेजते हैं? नहीं, डायरेक्ट तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है यहाँ। मतलब जैसे बैंक वगैरह अगर सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे पास इतनी बढ़िया कला है कि लोग, हम मीडिएटर लोग हमारे से कमा, मतलब अच्छा आपसे ज़्यादा तो वो पैसे कमा लेते, वो कमाते हैं। हमारा तो सिर्फ मेहनताना ही बहुत मुश्किल से मिलता है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं खुद भी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, कुछ सरकारों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे हस्तशिल्प कला को जीवित रखने के लिए आप अपने स्तर पर कुछ न कुछ प्रयास करते रहें, जैसा कि बैंकों में या इस तरह की कुछ चीज़ें इनकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो सोल्व हो। अच्छा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकारों की तरफ से आपको क्या सहयोग मिलता है? समय समय पर सरकार की तरफ से मिला है, राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से जैसे स्टेट अवार्ड वगैरह, हाँ, प्रिंटिंग के लिए मिला है। अभी पहले जो वसुंधरा सरकार थी उस समय राजस्थान हेरिटेज स्पेशल वीक होता था। अच्छा, तो उसमें ये पुरुषोत्तम वगैरह जो था, हम लोग पूरी फैसिलिटी थी हमारे, तो उसमें जो विदेश बंगाल वगैरह, मतलब सरकारों की जो काम पूरी मानसिकता काम करने, आप संतुष्ट है उनसे? सरकार से, सरकारों की जो योजना है उनसे संतुष्ट है। बस आपका ये कहना है कि हमारा जो माल है एक्सपोर्ट हो जाए, इसमें जो बीच में जो दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो डायरेक्ट लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंक थी। मार्केटिंग वगैरह का पूरा यू गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा और सहयोग मिल जाए, जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना के दिया है हमारे को, जिसमें बिल्डिंग वगैरह सारे मशीनें जो हमें यूज करने के लिए होती है वो सारी दी है, और उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग चाहिए हमारे को, जो हमारा माल देश विदेश से, बस यही हमारा मार्केटिंग पूरा माइनस पॉइंट है। अच्छा, मार्केटिंग नहीं हो पाती। एक मैं और बता दूं आपको, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने उस कार्यकाल में करीब 10-12 साल पहले राजस्थान में 4 केंद्र निर्धारित किए थे, अलग अलग क्षेत्र में जो हथकरघा पर आधारित है, उसमें अकोला का भी नाम था, और उसकी घोषणा को अमल किया, और यह फतेहनगर रोड पे या एक भील बस्ती है उसके पास 27 लाख की लागत से 6 एकड़ भूमि पे बिल्डिंग बना करके, मतलब सब फैसिलिटीज, मतलब इतना बड़े प्रांगण में उसको भवन को बनाया, और वहाँ ये लोग जो कर भी रहे हैं, पर सरकार से जो अपेक्षा थी वो नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ मार्केट से पिछड़ रहा है। मतलब अगर मतलब किनारे तक तो आ गए, पर अब मंजिल नहीं मिली। अब वो अगर मार्केट प्लस इसमें हो जाए तो अकोला फिर भी और विश्व स्तर पर अपने और पहचान बना सके और आय अधिक अर्जन कर सके। बिल्कुल। और अभी इस समय लगभग आप जैसे मतलब बराबर भाई साहब के बराबर पत्रकारिता से, जैसे हमने सबसे पहले एक ही परिवार करता था, उसके बाद में हमने शुरुआत की, उसके लगातार इनके प्रयास से, और अभी 10 से 12-13 यूनिट अभी रनिंग में चल रही है। अच्छा, बड़ी। तो इसके लिए लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए करीब इसे हर यूनिट में 10 से 15 8 किसी में 8 किसी, इस तरह से 150-200 लोग नए इस काम में इन्वॉल्व जुड़े हुए। आपके यहाँ मिट्टी का जो काम है, अभी हम इस तरफ देख रहे हैं कि मिट्टी का जो काम है, ये तरह तरह के जो कुएं बना रखे हैं, ये किस लिए है? पहले हम फेटिया बनाते थे। अच्छा, इसमें सब में फेटिया बनाते हैं, इस साधन को जुटाने में हम फेटिया बना के इससे पैसा कमा के फिर इस साधन को डेवलप किया हमने। अच्छा, इसमें डिजाइन है काफ़ी, डिजाइन है काफ़ी। आज हमारे पास कम से कम 5 से 7 हज़ार सेट है ये ब्लॉक के। ये आप ये इसके अंदर के इधर आए हैं आप, ये अभी जो तांबे के बर्तन हमारे काम आते हैं, वो जो नवरत्न के भाई साहब आप जो बता रहे थे कि हाँ, ये सारे बर्तन हमारे कॉपर के काम आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एक तो इसके जो गुणवत्ता बनी रहती कलर वगैरह, मतलब हाँ उसका कलर नहीं आया। हाँ, और दूसरा है तांबा जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म हो जाता है। ये पूरी आप दूसरा जो नेचुरल कलर कोई भी बनाते हैं तो उसका अच्छा सपोर्ट करता है। अच्छा,
और इसमें जो ये जो मिट्टी का पेस्ट है ये इसमें छानेंगे, उसके बाद में इसको मोटा कपड़ा बांध के और एक बार छानेंगे इसको। अच्छा, बहुत ही बारीक चीनी मिट्टी करके फिर प्रिंट होगी जिसमें बारीक क्योंकि इसमें रिपीट डट्टा लगेगा, रिपीट कलर जैसे ग्रीन कलर बनेगा उसमें, फिर उसमें अलग अलग बारीकी से काफी प्रिंट होगा इसमें। बिल्कुल, इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो प्रिंट है वो अंतिम पायदान पर है। ये भाई साहब लास्ट सुकई का ये लास्ट यहाँ से कपड़ा मार्केट में चला जाएगा? नहीं, ये इसके मांडी निकाली हुई है और इसमें अलग अलग कपड़ा है, बिल्कुल सिल्क वाला कपड़ा है, मलबरी है इसमें और भागलपुरी है। अच्छा। और हर स्टेट का कपड़ा हमारे पास आता है यहाँ पे। ये पूरा आपका सेटअप है? ये पूरा सेटअप है, बिल्कुल पानी के होद वगैरह बना रखे हैं, वो पानी वापस डिस्चार्ज मतलब खेतों में ये केमिकल रही थे तो पूरा खेतों में काम आ जाता है, हमारे जीरो वेस्ट है। तो ये हम आपने वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। विकास जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप क्योंकि जो चूँकि मार्केटिंग में कुछ दिक्कतें आती है तो आप कुछ आपका कहना है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता? सबसे पहले तो हमें गर्व महसूस हो रहा है कि फिर आज दूसरे दिन हम सुनील पंडित हमारे सहपाठी के साथ में हैं, और मैं अकोला में काफ़ी मेरा बिजनेस भी है उस हिसाब से भी आता हूँ, काफ़ी हमारे रिश्तेदार भी है, पर आज जो आपके साथ में आके जो कला देखी और जो सिस्टम देखा वो बहुत अच्छा लगा। पर एक मेरा दिल दुखा बहुत बड़ा है यहाँ पे कि आपकी इतनी हस्तकला है, बिल्कुल, और इतनी बड़ी हस्तकला होके ना आपका फ्रांस माल जाता है पर आपको जानता कोई नहीं है। तो सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूँगा और सरकार से ये हेल्प करूँगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो काम होते हैं वो आपसे जुड़ के करें ताकि उसकी जो मेहनत ना आपको बराबर मिलता रहे, उसके लिए जो मीडिएटर को जो पैसा जाता है वो आप तक पहुंचे ताकि आपकी जो लेबर है उस लेबर को आप अच्छा पैसा दे सके और यहाँ पे 100 रोजगार के और ज़्यादा से ज़्यादा आप कदम बढ़ा सके और यहाँ पे रोजगार दे सके। एक बेरोजगारी की तरफ हमारा कदम उठाना होगा कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म करें, सरकारी नौकरी से बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी जब छोटे स्तर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम शुरू होंगे आपके। तो आखिर में हम छोटे स्तर से गांव स्तर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अगर आपके साथ में काम शुरू होंगे तो वाकई बेरोजगारी खत्म होगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी। इनका कहना है कि विकास जी का कहना है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो इनको जो मार्केटिंग का नॉलेज नहीं मिल पाता है वो अगर सरकारें दे इस तरफ देख सकते हैं। कहाँ से आए भैया आप? एमपी मंदसौर से। एमपी मंदसौर से आए जी? पहली बार आए या फिर? नहीं, आते रहते हम साल में। आते रहते जी? तो पूरी परिवार के साथ में? हाँ, पूरा परिवार। पूरे परिवार से मैं निवेदन करूंगा आप आए तो हमारे चैनल की शोभा बढ़ेगी, आपके आने से साथ में जो ये कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, पहले कभी आप लेके गए हैं किस तरह से? मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार क्या सुनकर आए? क्या आपने सुना था? क्या क्या आपने वस्त्र जो शैली है यहाँ की हस्तशिल्प कला है उसके बारे में क्या सुना? ये सुना है कि बहुत है यहाँ पे ऐसा। अच्छा, यूनिक। अच्छा, तो बता नहीं सर, साड़ी ले गए? ये बताइए। अच्छा, आप साड़ी ले गए पहले? हाँ, पहले ना यूज़ बहुत करी है। अच्छा मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा मालीवाल। पुष्पा जी, पुष्पा जी मैं आप तो यहाँ आते रहते हैं शायद, तो इस कला की क्या विशेषता है क्योंकि आप तो महिला परिधानों में बड़े अच्छे जानकार भी लग रहे हैं, तो क्या विशेषता है? मतलब ये कपड़ा देखने में ही बहुत अच्छा लगता है और यूज़ करने के बाद तो मतलब आप इसके बिना रह ही नहीं सकते, मतलब लेना ही पड़ता है आपको। मतलब ये कपड़ा तो अमूमन मेवाड़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आप एमपी से यहाँ आए तो? नहीं, तो एमपी में और बाहर सब जगह यूज़ होता है ये। दोस्तों में ज़्यादा है? नहीं नहीं, जैसे बंदेज आप क्या यहाँ से क्या स्पेशल लेने के लिए? ये हैंड प्रिंट रहती है ये, और जो ये कपड़ा है ना इसकी खासियत ये है कि गर्मी में मतलब ठंडा मतलब उसी मौसम के हिसाब से रहता है, एयर कंडीशनर कपड़ा। हाँ, हाँ। है बिल्कुल। तो आप इस तरफ देखें, ये काम हो रहा है और द उदयपुर अपडेट्स ऐसे ही कला साधकों से आपसे मिलवाता रहेगा, बताता रहेगा, यहाँ की कला को आप प्रोत्साहित करते रहें और द उदयपुर अपडेट्स के रोचक और चोचक वीडियो देखते रहें। मैं सुनील पंडित और कैमरामैन विष्णु वैष्णव के साथ में आप बने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़। तो अभी हमारे साथ में इस पूरी कला के बड़े नामचीन और पुराने कलाकार हैं। बहू जी अभी क्या हो रहा है उस बारे में बताएं। अभी तो देखो हमें इसको छपाई करते हैं हाथ से। अच्छा। छपाई करने के बाद इंडिगो कलर जो आता है उसमें डुबोते हैं माट के अंदर। अच्छा। वो इंडिगो कलर बोलते हैं। अच्छा।
यो जो विदेशा में माल जावे नहीं यो ठंडा कलर है इससे कई कर्सा लोग नहीं सब पहले जो यो मतलब ठंडो रहे कपड़ो ये सूती कपड़ा है। अच्छा ये सूती है। सूती है बिल्कुल, इसके ऊपर ही कलर चढ़ता है बाकी दूसरे नहीं चढ़ता है। ये अलग अलग कैसे, वो अलग और ये अलग? ये अलग नहीं है, ये भी मतलब काला होने के बाद में ऐसा हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा होगा, ये मीटर के ऊपर है, 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर 10 11 12 मीटर के ऊपर बनता है। तो एक प्रोसेस, किन किन प्रोसेस से ये होके गुजरता है? ये पहले तो हम सफ़ेद कपड़ा लेते हैं, उसके बाद में नेपतुल से छपाई होती है। नेपतुल बीएस से छपाई होती है, फिर इसके ऊपर जिप्पी सोल्ट से खोलते हैं। अच्छा, मतलब एक नंग के 100 ग्राम। मतलब आप कितने साल से ये काम? ये मेरे को कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। अभी आपका जो व्यवसाय है वो बड़ा है या फिर इन इन चीज़ों की ओर लेने वाले ग्राहक कम हो? अभी तो पहले से कम थे, इस वक्त ज़्यादा है ग्राहक। ज़्यादा हो गए, डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बहुत है इसकी। क्या क्या वजह है इसकी डिमांड? इसकी वजह क्या, ये कपड़ा एक तो ठंडा रहता है। अच्छा, जो इन्हें मतलब मशीन से भी ये कपड़ा निकाला लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। ये हमारे हाथ का प्रिंट है इसलिए ये चल रहा है। बाकी दूसरी कोई इंडिगो जो कलर है वो मशीन में तो एक बार ही लगता और यो माँ 10-12 महीने डालना है जदि जान पक्को है तो ये कलर बैठे दूसरी नहीं बैठे। ये जो कलर बैठने की जो वजह है, पूरे हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो सिर्फ एक अकोला ही है, अकोला इसके पानी में ऐसी तासीर है क्या? ये मतलब जयपुर वाले भी मतलब वहाँ भी ऐसी इंडिगो नहीं बैठती जहाँ अकोले के मुकाबले। तो ये क्या क्या वजह है? क्या वजह है? यहाँ का पानी सही है। अच्छा, पानी इससे मैच कर रहा है? मैच कर रहा है, कलर के और पानी के मैच है, वास्ते चाल रहे हो। अच्छा, इसलिए चमकीला बना देते। हाँ।